हेलो एवरीबॉडी, दिस इज हनमत सिंह लोधी एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लॉ स्टूडेंट्स को कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। वो है, सबसे पहला जो पॉइंट्स है वो है बुक्स का। मुझे कमेंट्स में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स यह पूछ रहे हैं कि लॉ की जो बुक्स हैं हमें कौन सी खरीदना चाहिए जो बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में लिखी, जो बहुत ही सरल लैंग्वेज में लिखी है। और दूसरा है जजमेंट। जजमेंट लॉ में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है, क्योंकि आधी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जब आप जजमेंट पढ़ते हैं तभी आपको जो लीगल वर्ड्स हैं, जो लीगल कॉन्सेप्ट है, तभी समझने आता है। और तीसरा है लाइब्रेरी। हम लाइब्रेरी में जाते हैं लॉ की, तो हमें समझ में नहीं आता कि कैसे हम कौन सी बुक्स इश्यू करवाएँ ताकि हम उन सभी चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझ सकें। हम रिसर्च कैसे पढ़ें इसके बारे में भी हम बताएंगे। और चौथा है ग्रुप स्टडी। लॉ में ग्रुप स्टडी का बहुत ही महत्व है, क्योंकि आगे जाके जब आप लॉ करेंगे तो आप या तो लॉयर बनेंगे या फिर जज बन जाएंगे या कोई दूसरी कंपनी में। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, इसको लेके भी हम एक वीडियो बनाएंगे। तो ग्रुप स्टडी की जब हम बात करते हैं तो ग्रुप स्टडी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ग्रुप स्टडी से होता यह है कि जब हम किसी भी, मान लीजिए एक जजमेंट पर बात कर रहे हैं, मान लो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो जब आप देखें कि बहुत सारे लोग इस पर बोल रहे हैं तो अलग अलग कॉन्सेप्ट निकल के आती हैं। तो ग्रुप स्टडी का बहुत ही महत्व, इसके बारे में बताएं कि कैसे आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले नंबर वन बुक्स की बात करते हैं। दोस्तों, यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपके लिए मैं ये सजेस्ट कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ते हैं फर्स्ट सेम में या फिर कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट पढ़ते हैं तो दोनों बुक बावेल हैं, उनने बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है। आप जाकर अपनी जो लाइब्रेरी है वहाँ पे इश्यू करवा सकते हैं बावेल की बुक। हिंदी में भी है और शायद इंग्लिश में भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। बावेल में है ये चीज़ कि उन्होंने पहले क्या किया कि चीज़ों को पहले अच्छे से समझाने की कोशिश की है, फिर आपको बहुत सारे जजमेंट, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट के तीन या चार जजमेंट आपको मिल जाएंगे। तो आप जाके पर्सनली बावेल को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और यदि आपको अच्छी लगती तो आप उसको एक बार ज़रूर पढ़ लो। और दूसरा है जजमेंट। जजमेंट की जब हम बात करते हैं तो लॉ में जजमेंट का बहुत महत्व है, क्योंकि आप देखिए कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो जजमेंट के बेस पे लॉ निकल के आया। तो जजमेंट एक प्रकार से अपने लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ तक कि जब हम लॉ में प्रैक्टिस करने लगते हैं तो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ हम जजमेंट की ही बात करते हैं। जैसे हाई कोर्ट में जब हम कोई केस है वहाँ आर्गुमेंट जब करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जो जजमेंट होते हैं उनको एक रेफरेंस के रूप में वहाँ पे लगाते हैं। और फिर इसलिए जो जजमेंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन जजमेंट को आप सबसे पहले कि जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है, मान लो वो फंडामेंटल राइट्स को लेके हुई, राज्य और केंद्र के बीच कोई प्रॉब्लम होती है, तो इनके बीच में जब सुप्रीम कोर्ट आता है तो वो प्रॉब्लम सबसे पहले क्या थी, फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, दो या तीन उसमें लगभग जो वेरी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रहते हैं। और तीसरी है लाइब्रेरी। लॉ की लाइब्रेरी में जब हम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बुक्स इतनी सारी हैं, अनलिमिटेड बुक हैं वहाँ पर, तो पढ़ें कैसे। तो सबसे पहले मैंने यही बताया कि आप क्या कीजिए, यदि आपको बावेल की बुक मिलती है तो बावेल की ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ बहुत अच्छे से समझाई। और कई लॉ में जो मैगजीन है, मैगजीन आती हैं, आप मैगजीन को ज़रूर पढ़ें, उनमें रिसर्च बहुत सारी आती हैं कि इसमें यह रिसर्च हुई डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर, क्या चीज़ें चल रही हैं, नए नए कानून हैं जो जिनकी मांग हो रही है, तो इन सब चीज़ों को भी आप पढ़ें। रिसर्च बहुत ज़रूरी है, बहुत मज़ा आता है उसे पढ़ने में, तो आप रिसर्च ज़रूर पढ़ लें। और चौथा है ग्रुप स्टडी। जब हम ग्रुप स्टडी की बात करते हैं तो ग्रुप स्टडी हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि मान लीजिए आपके चार फ्रेंड्स हैं, आपने कोई एक केस पढ़ा, उस केस में आपको कन्फ्यूज है, तो आप अपने दोस्त के साथ जब उसको लेके शेयर करते हैं कि आज हम इस पर ग्रुप डिस्कशन करें, तो आपको लगेगा कि यार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको लेके नई निकल के आई हैं और ऐसे कॉन्सेप्ट शायद आपको पता भी नहीं थे। तो लॉ में अगर मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूं तो आप
ग्रुप स्टडी जरूर करें। और ये वाले जो सजेशन हैं आपके लिए सिर्फ फर्स्ट ईयर में हैं, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, मूट कोर्ट है, कंपटीशन भी होते हैं, तो इनमें भी आप प्रयास कर सकते हैं और भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो इसी को लेकर था, और आगे भी हम लॉ से संबंधित बहुत सारे वीडियो हैं जो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर में हैं या सेकंड ईयर में हैं उनको लाने वाले हैं। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चूँकि हम लॉ से संबंधित वीडियो लगातार इस चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, तो यदि आप इस चैनल को चाहते हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको इससे नोटिफिकेशन पर सबसे जल्दी मिल जाएगा।